नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं? रत्ना विद सीनियर्स के और एक ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ रही है ना। चलिए हम लोग फिर आज का ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लास्ट ब्लॉग में बताए थे आप लोग को, हम लोग जो हम लोग हैं थोड़ा थोड़ा मोबाइल के बारे में जानकारी। पिछले ब्लॉग में तो हमने बताया था कि जो व्हाट्सएप में नंबर हम कैसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर को व्हाट्सएप में कैसे भेजेंगे, और वो दो तरह का होता है। एक बार हम बोल देते हैं फिर से आप लोग को सुविधा के लिए, वो दो तरह का होता है। एक तो आप कॉन्टैक्ट में जाइएगा, जिस नंबर को भेजना है उसमें क्लिक कीजिएगा, उसके बाद वहां से देखिएगा ऊपर में आपका 3 डॉट आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, उसमें आपका शेयर है, शेयर क्लिक कीजिएगा तो फाइल आएगा, फाइल में क्लिक कीजिएगा तो आपका जहां भी नंबर है व्हाट्सएप में हो मैसेंजर में हो जहां भी आपको भेजना है वो आ जाए। तो आपको मानिए व्हाट्सएप में भेजना है तो व्हाट्सएप क्लिक कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप का आपको लाएगा इंटरफेस जो दिखेगा आपको मोबाइल में व्हाट्सएप का, उसमें आप मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक सिंबल रहता है ना, उसमें आप क्लिक कीजिएगा। उसमें क्लिक करने से देखिएगा आपको जिसका भी उसमें कीजिएगा तो उसमें जिसका भी आपका नाम जिसको भी भेजना है उसका नाम टाइप कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। तो आप सीधा नीचे में एरो रहेगा उसको सेंड कर दीजिएगा, हो गया काम खत्म। अगर आपको व्हाट्सएप में भेजना है ना तो और एक कॉन्टेक्ट नंबर अगर व्हाट्सएप में भेजना है तो और एक तरह होता है। सेकेंड क्या है कि आप व्हाट्सएप खोलिएगा, व्हाट्सएप खोल के उसके बाद उसमें आपको देखिएगा नीचे जिसको भी भेजना है उसमें खोलिएगा तो नीचे में मैसेज के साइड में एक देखिएगा पिन, जैसे पिन हम लोग को जैसे पहले होता था ना पिन छोटा वैसे एक निशानी है अटैचमेंट का, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा दिखाएगा, कॉन्टैक्ट हो गैलरी हो ये सब दिखाएगा। तो आपको कॉन्टैक्ट में क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट में क्लिक कीजिएगा तो आपका बहुत सारा नंबर आपका कॉन्टैक्ट नंबर सब आ जाएगा, उसमें से जिसको जो नंबर आपको सिलेक्ट करना है उसमें क्लिक करके उसके बाद वो नंबर आपका नीचे में एरो आएगा उसमें क्लिक कीजिएगा तो वो जो नंबर आपको ऊपर में दिखेगा, ऊपर में दिखेगा आप देख लीजिएगा कि वो नंबर आपको भेजना है तो फिर उसको नीचे में एरो आएगा उसमें क्लिक कीजिएगा तो वो मोबाइल में चल जाएगा। अब आया कि हम लोग को दूसरा बात कि अगर मानिए आपको कोई कॉन्टैक्ट भेजा, ठीक है बोल दिया आपको व्हाट्सएप में भेज दिया, अब वो नंबर आपको इसमें कॉन्टैक्ट नंबर में आपको सेव करना है तो आइए वो वाला दिखाते हैं आप लोगों को कैसा, ठीक है चलिए। व्हाट्सएप में एक नंबर आएगा, ऐड कॉन्टैक्ट रहेगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा क्रिएट और न्यू कॉन्टैक्ट आ जाएगा, फिर उसमें कीजिएगा तो देखिए क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट आ गया, फिर उसको सेव कीजिएगा तो ये नाम आ। समझ में आया कैसा लगा बोलिए। इसी तरह छोटा छोटा चीज हम लोग को जो है हम सोचे हैं आप लोग से शेयर करेंगे, आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और फिर आगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पटना के सीनियर सिटीजन्स क्लब का फिर आ रहा है गेट टुगेदर आ रहा है, उसको आपको दिखाएंगे और भी बहुत सारा चीज आप लोग को दिखाएंगे। और एक बात बोले, देखिए सब सीनियर सिटीजन लोग को मेरे जो दिमाग में आ रहा है कि सीनियर सिटीजन लोग को सबका तो पेंशन नहीं ना होता है, तो जिन लोगों के पास पेंशन नहीं है, जरूरत तो पैसा का सबको ही होता है ना, जितना भी सब कुछ देखे ही करे, तो उन लोग क्या कर सकते हैं ये सब ब्लॉग में लाएंगे। तो ये सब जानकारी के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी कुछ आगे कर पाए, हम लोग को यूनिटी कैसा है बच्चे लोगों को दिखाएंगे ना भाई। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग को क्या चाहिए, कैसे क्या करें नहीं करें, क्या इम्प्रूवमेंट लाएं, सबका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबको मेरे चैनल से जुड़े रहिए जुड़े रहने के लिए, है ना। तो फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं सब, तब तक सब अच्छे रहिए, सबको अच्छा रखिए, ठीक है, बाय बाय।